नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कार्डियो करने से फैट कैसे बर्न होता है, हमारा शरीर में चर्बी कैसे खर्च होती है कार्डियो करने से। कार्डियो क्या होता है पहले वीडियो में बात करी जा चुकी है, इस वीडियो के लास्ट में लिंक कर दूंगा, देख सकते हो। कार्डियो के साथ क्या है कि आमतौर पर जो जिम में या वैसे लोग कार्डियो करते हैं जिसमें वो जॉगिंग की स्पीड पे दौड़ रहे हैं या जिम में वो जो ट्रेडमिल पे 8-9 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं या रस्सी कूद रहे हैं, इस तरीके जो जो नॉर्मल जिम में जो लोग क्रॉस ट्रेनर करते हैं या फिर साइकिल करते हैं, जो नॉर्मल कार्डियो लोग करते हैं जिम में या फिर बाहर भी, उस कार्डियो के साथ में ये है कि आप जब तक उसे कर रहे हो आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी, ऊर्जा खर्च करेगी, पर जब आप उसे करना बंद कर दोगे तो लगभग आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देगी। हो सकता है थोड़ी सी देर बाद तक भी कर रही है क्योंकि आपने कसरत करी है तो थोड़ी सी देर बाद तक भी कर रही है, लेकिन फिर वो मतलब ऊर्जा खर्च करना बंद कर देती है। तो एक तरीके से आप ऐसे मान लो कि जितनी देर आपने कसरत करी उतनी देर ही आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है। जब वही अगर आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो करोगे जैसे बहुत तेज दौड़े या अपनी फुल स्पीड पे स्विमिंग करी या बहुत तेज रस्सी कूदी या बहुत तेज साइकिल चलाई, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा आप बहुत देर तक नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बहुत तेज दौड़ोगे फिर थोड़ा रुकोगे, फिर बहुत तेज दौड़ोगे फिर थोड़ा रुकोगे, क्योंकि आप लगातार बहुत तेज अपनी फुल स्पीड पे नहीं दौड़ सकते, मतलब 10 मिनट नहीं दौड़ सकते, मतलब अपनी फुल स्पीड पे आपको धीरे होना ही पड़ेगा। तो उसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो अगर आप हाई इंटेंसिटी पे कार्डियो कर रहे हो जिसमें आपको बीच में रुकना पड़ेगा, आप लगातार नहीं कर सकते, तो उसमें आपकी बॉडी रुकने के बाद में भी फैट बर्न करेगी, वो हमने इस वीडियो में बात करी थी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो भी जो मतलब जो वो तरीके का कार्डियो होता है ना जो आप लगातार करते जा रहे हो, पक्की बात है वो हाई इंटेंसिटी नहीं हो सकता क्योंकि आप लगातार हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा कम इंटेंसिटी का हो, हाई से थोड़ा कम का हो, जरूरी नहीं है लो, पर जैसे जरूरी नहीं आप वॉकिंग ही कर रहे हो, सकता है आप जॉगिंग कर रहे हो लेकिन आप फुल स्पीड पे नहीं दौड़ रहे हो। तो जो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का कार्डियो है, जो एक बीच की इंटेंसिटी का कार्डियो है, वो लगभग आप जब तक कार्डियो कर रहे हो तब तक ही आपकी बॉडी से ऊर्जा खर्च करता है, तब तक ही आपकी बॉडी से एनर्जी बर्न करता है। तो मान लेते हैं मेरे को 500 कैलोरी खर्च करनी है और एक घंटे में चलता हूँ, तो एक आम आदमी करीब 125 से 225 के आसपास कैलोरी खर्च होती है, 200 मान लेते हैं। तो अगर मेरे को 500 कैलोरी खर्च करनी है तो मेरे को 2.5 घंटे चलना पड़ेगा, वही अगर मैं आधे घंटे दौड़ता हूँ तो मेरी 200 कैलोरी खर्च हो जाएगी, मतलब बहुत तेज नहीं दौड़ रहा मैं नॉर्मल स्पीड पे, तो मेरी 200 कैलोरी खर्च हो जाएगी। तो मेरे को 1.25 घंटे कसरत करूँगा मैं तो मेरी 500 कैलोरी खर्च हो जाएगी, बस 1.25 घंटे दौड़ूंगा तो मेरी 500 कैलोरी खर्च हो जाएगी। ये मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा था क्योंकि आगे जा करके मैं कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से कंपेयर करूँगा कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में से कौन ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा था। यही अगर आप हाई इंटेंसिटी करोगे तो हो सकता है आप जब हाई इंटेंसिटी भले आपने 15-20 मिनट ही किया, तो हो सकता है उस 15-20 मिनट में तो आपने मान लो 150 कैलोरी खर्च करी होगी, 200 कर दी होगी भले, लेकिन उसके बाद में भी आपका शरीर कैलोरी खर्च करता रहेगा। तो एक तरीके से ये जो हम जिस कार्डियो की हम बात कर रहे हैं जो कि करने के बाद में एनर्जी नहीं खर्च करता है, उसको हम स्टेडी कार्डियो कह सकते हैं, मतलब लोग उसे स्टेडी स्टेट कार्डियो कह देते हैं, स्टेडी कार्डियो कह देते हैं, मतलब हम लगातार एक जैसा कर रहे हैं, और वो लगातार एक जैसा कर रहे हैं तो वो तेज इंटेंसिटी में नहीं हो सकता क्योंकि हम तेज इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा देर नहीं कर सकते, तो वो हल्की कम इंटेंसिटी पर होगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्डियो कैसे फैट बर्न करता है, आगे मैं आपको बताऊँगा वेट ट्रेनिंग से कैसे फैट बर्न होता है और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कोई वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, किसी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लो, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर दो, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।